बातचीत हम शुरू करते हैं। सौरभ मुखर्जी मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के को फाउंडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाजार पे फंडामेंटल नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए आए हैं। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूं, आपका एक रिसेंट ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो सुना, बहुत ही थैंक एजुकेटिव और बहुत ही शानदार। मैंने वो यू कान में लगा के मैं लेट गया था और इतना थैंक ज़्यादा मशगूल हो गया वो सुनते सुनते कि मैं ऑलमोस्ट मेरी आंख लग गई और मुझे कल का भारत नजर आने लगा अपने सपनों में, जो आप जिसके बारे में आप बता रहे थे कि 10-15 साल आगे कितनी अमेजिंग भारत में स्टोरी बन सकती है, और जिसको बेट लेके एक्चुअली आप और आपकी वाइफ रिवर्स ब्रेन ड्रेन वापस आए थे इंडिया में। तो बहुत ही आपने मेहनत की यू उस पर, बहुत बहुत शानदार। मैं अपने व्यूअर्स थैंक को अर्ज करूंगा कि वो उसको वापस से सुने जाके, आई एम श्योर यूट्यूब पर मिल जाएगा। लेकिन सौरभ, आज की बातचीत शुरू करते हैं इस मामले में। मुझे याद है इस पॉइंट पे हमने आपसे कोविड लोज में बात की थी, और वो ये था जब यूएस में रिसेशन आता है तो इमर्जिंग मार्केट और पर्टिकुलरली भारत में क्या होता है, क्योंकि उसके कस्प पे आ गए, उसकी कगार पे आके खड़े हो गए कि यूएस में रिसेशन एक दस्तक दे रहा है। तो अगर नेक्स्ट 6 महीने में यूएस में रिसेशन आता है तो भारत के लिए इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, देखिए, जो 40 साल का डेटा हमको दिखाता है कि इंडिया में जब भी इकोनॉमिक बूम आई है उसके तुरंत पहले यूएस में रिसेशन आई है। इनफैक्ट लास्ट 40 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यूएस रिसेशन के बाद इंडिया में बूम नहीं आई है। तो बहुत ही टाइट रिलेशनशिप है। यूएस में रिसेशन पहले आती है, फिर इसके 1-2 साल बाद इंडिया में बूम आती है। इसकी 2 वजह है। जब यूएस में रिसेशन आती है तेल का भाव टूटता है 50-80% से, और दूसरी वजह है टिपिकली जब यूएस में रिसेशन आती है वहां पे इंटरेस्ट रेट्स, यूएसए में इंटरेस्ट रेट 2-2.5% गिरते हैं। उसके साथ ही साथ आरबीआई के भी इंटरेस्ट रेट 2-2.5% नीचे जाते हैं। तो रिसेशन के बाद सस्ता तेल और सस्ता पैसा मिलता है, उसके उसके बदौलत इंडिया आगे बढ़ता है। और इस बार सस्ता तेल तो कुछ हद तक मिल चुका है। यूएस रिसेशन जैसे जैसे यूएस रिसेशन के आसार ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, तेल का भाव भी पिटा है, और उसके साथ ही साथ इंडिया को रशिया से सस्ता क्रूड मिल रहा है। सो तेल का सिचुएशन मेरे ख्याल से काफी हद तक जैसे जैसे होना चाहिए था बन रहा है धीरे धीरे। अगर कॉस्ट ऑफ मनी, जो इंटरेस्ट रेट का खेल है, वो इस बार उस प्रकार से नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, और जिस प्रकार से यूक्रेन के वॉर से महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से फेडरल रिजर्व रेट्स बढ़ा रहा है। बट उसके बावजूद मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है कि जो जो नम जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर आज 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 आपको मेरे को जो दिख रहे हैं, Q2 के अर्निंग्स के जो नंबर दिख रहे हैं, उसके बेसिस में मेरे को काफी काफी कन्विक्शन है कि अगला साल इंडिया के लिए इस साल से बेहतर रहेगा। बाकी दुनिया में स्लो डाउन चल रही है, जैसे आप बोल रहे हो, यूएस ऑलरेडी मेरे ख्याल से रिसेशन में घुस चुका है। लास्ट अगर मैं 6 महीने के आंकड़े देखो, यूएस मेरे ख्याल से ऑलरेडी रिसेशन में प्रवेश कर चुका है। बट मेरे मेरे ख्याल से इंडिया के लिए अगले 12 महीने, लास्ट 12 महीने से बेहतर होंगे। कमोडिटी प्राइस का जो जो प्रहार था वो कम हो रहा है, और फाइनेंशियलाइजेशन के जरिए के माध्यम से इंडिया में कैपिटल का भाव, पैसे का भाव स्मॉल बिजनेसेस के लिए, हाउस होल्डर्स के लिए, घर खरीदने वालों के लिए कंट्रोल में है। अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन और थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हमारा इकोनॉमी अगले साल अच्छा बूम दिखाएगा। आप दो पोर्टफोलियोज रन करते हैं मार्सेलस में सौरभ, एक लार्ज कैप है जो इंडस्ट्री लीडर सेंट्रिक पोर्टफोलियो है, और एक मिड टू स्मॉल है जहां काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। मैं बात करूंगा स्पेसिफिक एडिशंस पे, लेकिन वो नेक्स्ट लीडर्स या लिटिल चैंप बड़े बन सकते हैं आगे। इस समय प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक इन दोनों पोर्टफोलियोज का कैसा बैठ रहा है आपका? अगर हम सब कुछ स्ट्रेस टेस्ट कर दें, कमोडिटीज का नीचे आना, थोड़ा स्लो डाउन का रेवेन्यू ग्रोथ को हिट करना, वो सब मिला जुला के नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स आपको इन दोनों पोर्टफोलियोज की अर्निंग्स ग्रोथ किस रेंज में नजर आती है? हाँ जी, देखिए, हम फ्री कैश फ्लो पे ज्यादा नजर रखते हैं, क्योंकि फ्री कैश ओके फ्लो मेरे ख्याल से अर्निंग से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से कंपनी कैश बाहर फेंक रही है, तो सिंपल सिंपल चीज पे फोकस करता हूँ। पहली बात, हमने बराबर निवेश करने की चेष्टा की है ऐसे कंपनीज में जिनके पास प्राइसिंग पावर हो। महंगाई जितनी भी हो उनके रॉ मटेरियल में, इन कंपनीज के पास क्षमता है कि वो महंगाई को अपने कस्टमर पे पास ऑन करे, अपने अपने मार्जिन को स्ट्रॉन्ग बना के रखे। उस वजह से इवन इन द क्वार्टर जस्ट एंडेड, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें भी हमारे कंपनीज ने करीबन 15% के आसपास प्रॉफिट कंपाउंडिंग दिखाई,
और करीबन 20 से 25% कैश फ्लो कंपाउंडिंग दिखलाई। जैसे कल कल रात को जीएमएम फॉडलर के रिजल्ट्स आए, आई थिंक प्रॉफिट कंपाउंडिंग कुछ 24-25% कंसोलिडेटेड बेसिस पे जीएमएम फॉडलर 24-25% पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखला रहा है। जैसे कि सबको पता होगा बैंक्स में जो बैंक्स और लेंडर्स हैं उनके तो प्रॉफिट ग्रोथ 24-25 के आसपास सारे बैंक्स और लेंडर्स के ही आ रहे हैं। सो ओवरऑल मेरे को जो लग रहा है कि नजरिया अगला 12 महीने का स्ट्रॉन्ग कंपनीज, बाहुबली प्रकार कंपनीज जिनके पास जबरदस्त प्राइसिंग पावर है, उनके लिए कैश फ्लो कंपाउंडिंग, आमदनी की कंपाउंडिंग 20-25% से बढ़ती रहेगी और यही इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ ये कंपनीज नए फैक्ट्री लगा रहे हैं, जबरदस्त कैपेक्स का साइकिल शुरू हो रहा है। आप एशियन पेंट्स के अनाउंसमेंट सुनिए, आप एस्ट्रल पॉली के अनाउंसमेंट सुनिए, आप पीडिलाइट के अनाउंसमेंट सुनिए, आप बैंकिंग सिस्टम में बड़े बड़े लेंडर्स जैसे चोलामंडलम के अनाउंसमेंट सुनिए, दबा के कैपेक्स और एक्विजिशंस का सिलसिला शुरू हो गया है। सौरभ, शुक्रिया पहले तो ईटी नवसदेश को समय देने के लिए। आप डिवीस लैब पे और जेएम फॉडलर पे बुलिश क्यों है, इसके रीजन बता सकते हैं सर? हाँ जी, सो बिफोर आई गो इन टू दैट, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इन सारे स्टॉक्स में मेरे फैमिली के होल्डिंग्स हैं, मेरे पेरेंट्स का, मेरे खुद का, हमारे 10,000 क्लाइंट्स का होल्डिंग है इन सारे स्टॉक्स में। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए, चाइना चाइना ग्लोबल एपीआई इंडस्ट्री का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंडस्ट्री का राजा है। एपीआई है दवाई का चूरन, जैसे मैं दवाई खा रहा हूँ इसका चूरन है एपीआई। इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को एपीआई बोलते हैं। करीबन $250 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री है। चाइना इसमें से $200 बिलियन का एपीआई बनाता है। इंडिया केवल $30 बिलियन का एपीआई बनाता है। सारे जो आसार हैं, सारे ग्लोबल जो इंडिकेशंस हैं, जो हमारे यूएस में क्लाइंट से बात हो रही है, एपीआई इंडस्ट्री, यूएस सरकार चाहती है कि यूएस का डिपेंडेंस चाइना के एपीआई पे कम किया जाए। यूरोपियन सरकार चाहती है कि चाइना पे डिपेंडेंस कम किया जाए। तो अगर आप मानिए केवल $50 बिलियन चाइना की, $200 बिलियन की एपीआई इंडस्ट्री है, कि इवन 1/4 इंडिया आ जाए, इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री अगले 3-4 साल में डबल होने वाली है हमारे ख्याल से, राइट? अगर ये इंडस्ट्री डबल होगी, इसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया के सबसे बड़े एपीआई मैन्युफैक्चरर डिवीज लैब को होगा। इसलिए हम दबा के डिवीज और खरीद रहे हैं। 2-3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, मार्केट हमको पूरा मौका दे रहा है, बिकॉज मार्केट गलत, मेरे ख्याल से गलती करके डिवीज का भाव दबा रहा है और हम इसको खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा एपीआई प्लेयर इंडिया में, जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना के एपीआई मार्केट शेयर लॉस से, इंडिया के गेन से डिवीज को फायदा होगा। एपीआई बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, जो जो इंटरमीडिएट्स चाहिए, वो सप्लाई करते हैं कंपनीज लाइक एल्काइल अमीन्स, कंपनीज लाइक पोशाक। तो हम उसमें उसमें पैसा लगा रहे हैं। और उसके भी नीचे अगर हम जाए, जिस कटोरे में, जिस ग्लास कंटेनर में आप ये सारा सामान बनाते हो, केमिकल्स और दवाई बनाते हो, वो जीएमएम फॉडलर बनाता है। इसलिए हमने जीएमएम फॉडलर में काफी साल से बड़ा पोजीशन बना के रखा है। तो एक पूरा सप्लाई चेन है जो मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में डबल हो जाएगा। उसका फायदा उठाने के लिए हम निवेश कर रहे हैं। सौरभ, बड़े ही क्रिएटिव वे में आपने अपने रैशनल दोनों स्टॉक्स के लिए सजाए हैं, समझाए हैं, लेकिन टीसीएस में आपका भरोसा क्यों बढ़ रहा है, इस पर भी हम आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि आईटी पैक एक बड़े करेक्शन के बाद एक अप मूव के लिए तैयार हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर निवेश बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगेन फंडामेंटली सोचना चाहिए, अप मूव डाउन मूव उतना दिमाग नहीं फंसाना चाहिए, फंडामेंटली सोचना चाहिए। अगर हम देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में भयंकर लेबर शॉर्टेज है, राइट? भयंकर लेबर शॉर्टेज है। टेक्नोलॉजी के केस में तो लेबर है ही नहीं। जो वेस्ट में जिसको टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, उसको सिलिकॉन वैली में जॉब करना है या वॉल स्ट्रीट में जॉब करना है, किसी को टीसीएस जैसा काम वेस्ट में नहीं करना है। नाउ वेस्टर्न वर्ल्ड की जो सर्विसेज इकोनॉमी है वो करीबन 15 ट्रिलियन है। सर्विसेज मतलब मानिए फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि, ये इनके $15 ट्रिलियन की सर्विसेज की इकोनॉमी है। अगर आप बहुत क्रूडली माने, सिंपली सिंपल तरीके से माने कि उनके लेबर शॉर्टेज की वजह से एटलीस्ट 10% उनका सर्विसेज इकोनॉमी इंडिया का आउटसोर्स्ड होगा। अकाउंटिंग वर्क, पेरोल वर्क, आईटी सर्विसेज, नॉलेज वर्क, 15 ट्रिलियन में से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ सर्विसेज वर्क इंडिया आएगा। उसमें से 1.5 ट्रिलियन में से, जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, आज इंडिया की आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री केवल $200 बिलियन है, केवल $200 बिलियन है। ये मेरे ख्याल से 6-7 गुना बढ़ेगी अगले 5-6 साल में,
गिवन द मैसिव लेबर शॉर्टेज। ये लेबर शॉर्टेज जाने नहीं वाले, वेस्ट में काम करने वाले लोग हैं नहीं, तो भारी पैमाने पे वेस्ट का काम इंडिया आएगा। और TCS इस इंडस्ट्री का राजा है, गोरेला है, उसको सबसे ज्यादा काम मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सोचिए, वेस्टर्न कंपनीज को कॉस्ट घटाने की जरूरत है, जैसे हम बात करें वहां पर रिसेशन आ रही है, उनको कॉस्ट घटाना है। कॉस्ट कैसे घटाओगे, काम इंडिया भेजोगे तभी तो कॉस्ट घटेगा ना। US में आप महंगे वर्कर्स हायर करोगे, यूरोप में आप महंगे वर्कर्स हायर करोगे, कॉस्ट बढ़ेगा। तो वेस्ट में मेरे ख्याल से वो लोग आउटसोर्सिंग बढ़ाएंगे। अगर आउटसोर्सिंग बढ़ाएंगे, अगेन गोरिल्ला है, स्केल का राजा है TCS, इसलिए हम आराम से TCS में पोजीशन बना के बैठे हैं और थोड़ा खरीदने की भी चेष्टा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। इनफैक्ट मुझे ध्यान आया आपका, दो तीन दिन पहले दुआ साहब बात कर रहे थे, इनफैक्ट रिलैक्सो फुटवेयर के रिजल्ट्स आए, लोगों को झटका लगा सिक्वेंशियली और YoY। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं देखूँ कि रिलैक्सो फुटवेयर जिस प्राइस पॉकेट में जूते बनाता है या फुटवेयर बनाता है, वहाँ थोड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि केस शेप रिकवरी इंश्योर कर रही है कि बड़ी कंपनियाँ बड़ी हो जाएं, और प्रीमियम ब्रांड्स में अच्छी ग्रोथ है, बट नीचे टू व्हीलर्स नहीं बिक रहे। और दूसरी तरफ स्पेस बड़ी कंपेटिटिव हो रही है, कैंपस, खादिम, मेट्रो, दुनिया भर के जूते कंपनीज आ रहे हैं। ये क्योंकि आपने बहुत स्टडी किया हुआ इंडिया के फुटवेयर मार्केट को, क्या व्यू बन रहा है आपका वहाँ? बिल्कुल, इसके तो कोई दो राय नहीं है कि लास्ट 4-5 साल में जो इंडिया में गरीब इंसान है वो बहुत, उसकी बहुत पिटाई हुई है। शॉक आफ्टर शॉक लगा है, कोविड का धक्का तो लगा ही था, आज अब महंगाई का भी धक्का गरीब इंसान के ऊपर आ रहा है। जैसे आप ठीक बोल रहे हो, दो टू व्हीलर कंपनीज के रिजल्ट देखें या FMCG कंपनीज के रिजल्ट देखें या रिलैक्सो के रिजल्ट देखें, गरीब गरीब की जो पिटाई है वो नजर आ रही है। अब आते हैं जो मुद्दा दुआ साहब के साथ हम बार बार डिस्कस करते हैं कि देखिए, आप हो मार्केट लीडर, आप सबसे बड़े, बाय फार यू आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर इन इंडिया। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, तब सारे सारे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स पर प्रेशर आता है। जो हमारे निवेश की जिंदगी का तजुर्बा है कि जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, जो बाहुबली प्लेयर होता है, सबसे सुदृढ़ प्लेयर होता है, उसका काम है रॉ मटेरियल कॉस्ट को, अपने अपने भाव को उस प्रकार से ना बढ़ाए जिससे कि मार्केट शेयर लॉस हो। भाव को, रॉ मटेरियल कॉस्ट मानिए 10% बढ़ रहा है, अपने भाव को बढ़ाए 7-8% और अपने कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर छीन ले। ये जो हमारा हमारे ख्याल से जो ये जो रवैया रहता है, ये हमने हमारे इन्वेस्टिंग कंपनी में रिपीटेडली देखा है, हमने पीडलाइट में देखा है, एशियन पेंट्स में देखा है, एस्ट्रल पॉली में देखा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट मानिए 10% छलांग मारेगी, हमारे इन्वेस्टिंग कंपनी 7-8% भाव चढ़ाएंगे, अपने वर्किंग कैपिटल को सुधारेंगे, अपने पैसा पैसा जल्दी पाने के सारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे, कैश फ्लो निखारेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर को प्राइस में तोड़ के कॉम्पिटिटर से धंधा उठा लेंगे। सो हमारी जो उम्मीद है कि रिलैक्सो और करेगा, जो 3-4 महीने में रिलैक्सो ने किया है, जिसमें भाव तोड़ा है, जितना रिलैक्सो भाव तोड़ेगा, लो एंड ऑफ द मार्केट जहां पे मेरे ख्याल से 70% सप्लाई इनफॉर्मल है, ब्लैक इकोनॉमी वाले प्लेयर है, लो एंड मार्केट में भारी कंसोलिडेशन कर सकता है रिलैक्सो बाय स्क्वीजिंग प्राइसेस एंड ड्राइविंग आउट द इनफॉर्मल सेक्टर, जो मेरे ख्याल से 70% ऑफ द लो एंड मार्केट है। ये कि ये जो कंसोलिडेशन और साइडवेज मूव, बाजार थोड़ा नर्वस है स्टॉक पे, आप वापस से व्यूअर्स जो हैं हमारे और इन्वेस्टर्स दोबारा से इसको देख सकते हैं। बट बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आज हमसे बात करने के लिए, हमेशा बहुत ही शानदार इनपुट्स देखे जाते हैं।